उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात महिला सिविल जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। जज का आरोप है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। कई बार शिकायत करने पर भी सुनवाई न होने के बाद अब उन्होंने इस संबंध में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। ये पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। महिला जज के पत्र के मुताबिक बाराबंकी में तैनाती के दौरान एक जिला जज ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनका आरोप है कि वो उन्हें रात में मिलने के लिए कहता था। सिविल जज ने आगे पत्र में क्या कुछ लिखा, आइए सुनाते हैं आपको। मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूँ। इस लेटर का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक CJI मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे। मैं बहुत उत्साह और इस विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मुझे क्या पता था मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वहाँ शीघ्र ही मुझे न्याय का भिखारी बना दिया जाएगा। जज ने आगे लिखा, मेरी सर्विस के थोड़े से समय में ही मुझे खुली अदालत में दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मेरी दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी लेकिन भला क्या मिला। मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखे, ये हमारे जीवन का सत्य है। पोस एक्ट यानी यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हमें बताया गया सबसे बड़ा झूठ है। कोई हमारी नहीं सुनता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आगे बताया, जब मैं ये कहती हूँ कि कोई हमारी नहीं सुनता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। आपको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाएगा और अगर आप मेरी तरह किस्मती नहीं होंगे तो आपका आत्महत्या का प्रयास विफल हो जाएगा।